हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया पवार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि न्यू वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। सो दोस्तों, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का एक नया जो मूवी आने वाला है जिसमें लीड रोल निभा रही है रानी मुखर्जी, और ये मूवी 17 मार्च को आने वाली है दोस्तों। तो उसका एक नया गाना देखा मैंने, माँ के दिल से। जो दोस्तों, ये गाना सुन के सच में हार्ट टचिंग तो है ही है, बट ये गाना आपके दिल तक ज़रूर ज़रूर छू जाएगी, क्योंकि इसमें जिस तरह से दर्द भरा आवाज़ दिया है जावेद अली और पक्षी ने, सच में वो गाना आपके दिल तो छूकर ही रहेगा। और दोस्तों, ये गाना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कंपोज किया है। कौसर का जो लिरिक्स है इस गाने में तो और भी सुन के अच्छा लगता है। जो लिरिक्स है वो ही बहुत ही ज़्यादा यू नो मीनिंगफुल है, और इस गाने को अच्छे से कंपोज किया है अमित त्रिवेदी जी ने। तो दोस्तों, ये गाना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। रानी मुखर्जी जो है इस गाने में बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। वो एक बंगाली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है इस मूवी में, और वो कोलकाता से सीधा नॉर्वे शिफ्ट होते हैं। और ये गाना इस बेसिस पे है कि उनके बच्चे वेलफेयर छीन लेते हैं और वो उनकी यादों में तड़पती रहती है, और अपने बच्चों को पाने के लिए हर वो एक कोशिश करती रहती है। तो दोस्तों, वो यादें जो है, वो दर्द जो है, और उनकी बच्चों की जो तड़प है, यहाँ पे इस गाने में रानी मुखर्जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्रेस किया है दोस्तों। तो आपको ये गाना ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है, आपको दिल को छू के रहेगा और आपकी आंखों में से आंसू आने तक नहीं रुकेगा, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे रानी मुखर्जी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, माँ का दर्द दिखाया है, जो तड़प होती है अपने बच्चों को मिलने की, यहाँ पे रानी मुखर्जी ने वेल प्लेड किया है अपने रोल को। तो दोस्तों, ये गाना जरूर देखिए माँ के दिल से, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये गाना आपको कैसा लगा। वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।